सौदा आपका मैम। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि हम बेहद फ्लैट निफ्टी देख रहे हैं आज, क्या ट्रेड लिया जाए? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, लास्ट एक वीक से हम थोड़ा कॉशियस अप्रोच रख रहे थे मार्केट में। 8700-8750 के आसपास क्लियरली निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था। लास्ट 2 दिन में हमने क्लियर एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखा है। इंडेक्स में ये माइनर प्रॉफिट बुकिंग था, बट स्टॉक्स अगर देखें तो काफ़ी अच्छे पिटे हुए हैं। बट हमें लग रहा है कि एक जो लार्जर डिग्री अप ट्रेंड है उसका एक कंसोलिडेशन फेज है, और निफ्टी अभी 200-250 पॉइंट के रेंज में रहने के चांसेस है। सो हायर एंड इज अराउंड 8700-8750, लोअर एंड 8500-8540, और अभी लोअर एंड के आसपास ट्रेड हो रहा है जहाँ के हम मल्टीपल सपोर्ट जोन भी देख रहे हैं। तो 8550-8540 जो हमने एक मॉर्निंग फोनर में भी सजेस्ट किया था, वहाँ पर बाय करना चाहिए। 8500 का स्टॉप लॉस और टारगेट 8630 था, वो अभी थोड़ा एक्सटेंड होके हम 8680 तक निफ्टी में एक बाउंस देख रहे हैं। ओके, और जो लोअर एंड देख रहे हैं आप 8500 का, वही आप स्टॉप लॉस भी सजेस्ट कर रहे हैं और बाय की सलाह निफ्टी में। समझ, लेकिन बैंक निफ्टी इसे जरा वॉच कीजिए। अभी हम फिलहाल इसमें 55 अंकों का दबाव देख रहे हैं, लाल निशान में है, प्रेशर जोन में नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट आपको कैसा दिख रहा है, क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है कि क्लियरली लास्ट 2 दिन से एक अंडर परफॉर्मेंस देखा है। ऊपर 19,000 से लेके 19,100 का जो एक हर्डल बना है वो स्ट्रगल कर रहा है बैंक निफ्टी वो क्रॉस करने के लिए। हालांकि अभी एक लोअर एंड पे है, निफ्टी जैसे लोअर एंड पे है, बैंक निफ्टी भी एक लोअर एंड पे ही ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अराउंड 18,450 से लेके 18,500 के रेंज में। तो यहाँ पे भी एक थोड़ा हम माइनर बाउंस बैक बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली अगर ICICI बैंक देखे जो 235-237 के रेंज के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो उसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो अगर ये स्टॉक्स में बाउंस आता है अच्छा खासा, जिसमें बैंक निफ्टी में ज़्यादा वेटेज है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंकिंग इंडेक्स में भी एक एटलीस्ट 100-150 पॉइंट का यहाँ से बाउंस आ सकता है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बेहद खराब नतीजे पेश किए हैं, इनके प्रॉफिट में 60% की गिरावट देखने को मिल रही है। इन नतीजों को जरा बारीकी से समझते हैं, साथ ही में शेयर में भी तेज गिरावट दिख रही है, और इसको डिटेल से समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं पूजा त्रिपाठी। पूजा, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट आपके सामने होंगे, कहाँ से दबाव आ रहा है, बेहद खराब क्वार्टर रहा है इनके लिए ये? जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए एक और खराब क्वार्टर, और उम्मीद की जा रही थी कि नए मैनेजमेंट के आने के बाद शायद हालात सुधरेंगे, और क्वार्टर फोर में मैनेजमेंट का कहना भी था कि AQR प्रोसेस अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद अब हालात थोड़े सुधरते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्वार्टर वन में जो स्लिपेजेस देखने को मिले थे करीब 5,000 करोड़ के आसपास, इस बार भी स्लिपेजेस के आंकड़े उतने ही हैं। और ग्रॉस NPA और नेट NPA के आंकड़े अगर देखें तो ग्रॉस NPA के आंकड़े अब 10% के ऊपर पहुंच चुके हैं, इस बार 11% के आसपास ग्रॉस NPA के आंकड़े आए, और नेट NPA भी करीब अब 6% के आसपास पहुंच चुके हैं। और मैनेजमेंट ने भी अभी फिलहाल यही गाइडेंस दी है कि हालात अब क्वार्टर फोर FY17 के बाद ही सुधरेंगे। ग्रॉस NPA में जो 50,000 करोड़ का गाइडेंस दिया था ग्रॉस NPA के लिए मैनेजमेंट ने, उसमें अभी फिलहाल कुछ चेंज करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, स्ट्रेस अभी और भी देखने को मिलेगा। इस तिमाही की अगर बात करें तो कॉर्पोरेट स्लिपेजेस में ज़रूर थोड़ा बहुत इन लोगों ने मैनेज करने की कोशिश की है, और मैनेजमेंट का कहना है कि फोकस इस वक्त स्मॉलर अकाउंट पर रहेगा, एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो में रहेगा, और प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो 60% के आसपास मेंटेन करने की कोशिश रहेगी, जिसकी वजह से आगे चलते हम देख सकते हैं कि मुनाफे में और दबाव देखने को मिलेगा, स्लिपेजेस बढ़े हुए ही रहेंगे, और एसेट क्वालिटी में प्रेशर भी बना ही रहेगा। शुक्रिया पूजा इस पूरे अपडेट के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्लियरली प्रेशर में, और अगर आज आप इसके चार्ट भी देखें तो यहाँ एक डाउनवर्ड हमें ट्रेंड नजर आ रहा है, करीब 7% से ज्यादा की गिरावट से जूझ रहा बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि इस क्वार्टर में खराब नतीजे पेश किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक बार फिर से। लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आज की शानदार लिस्टिंग हुई है दिलीप बिल्डकॉन की, और हमारे साथ होगा दिलीप बिल्डकॉन का मैनेजमेंट, उनसे करेंगे बात आगे। आज दिलीप बिल्डकॉन ने किया है डेब्यू शेयर बाजार में, शानदार लिस्टिंग कंपनी की हुई है, 15% ऊपर, 252 रुपए का भाव, 33 रुपए से मजबूत दिलीप बिल्डकॉन। और मेरे साथ है देवेंद्र जैन, CEO दिलीप बिल्डकॉन के। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो स्वागत है CNBC आवाज पर, और आपको ढेरों बधाई, शानदार लिस्टिंग आपकी कंपनी ने दी है, और अब इसके आगे FY17 के लिए क्या प्लान्स हैं, किस तरह की तैयारी है, समझाइए।
सबसे पहले तो प्रियंका जी मैं धन्यवाद देता हूँ आपको भी और सारे के सारे हमारे जितने बड़े और छोटे इन्वेस्टर्स हैं उन सबको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि उनने कंपनी पे इतना विश्वास जताया और आगे भी हम उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। FY17 में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग लगभग 20% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लगभग हम लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू करीब 4,100 करोड़ था और FY17 में हम लोग 5,000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू करेंगे। ऑर्डर इनफ्लोज को लेकर के अभी कैसी तस्वीर बन रही है? ऑर्डर इन्फ्लो के मामले में दिल्ली बिल्कुल हमेशा से रिच कंपनी रही है। अभी राइट नाउ हमारा ऑर्डर बुक लगभग 11,000 करोड़ प्लस है और लगभग वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम इस फाइनेंशियल में और करीब 5,000 करोड़ के ऑर्डर जीतेंगे और एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल हमारी ऑर्डर बुक लगभग 11,000 से 12,000 करोड़ के बीच में होना होगी। देवेंद्र जी, आप लोग बिल्कुल मध्य प्रदेश फोकस्ड कंपनी है और आपके ज्यादातर ऑर्डर्स भी हम उधर देख रहे हैं, क्या अब कंपनी अपने बेस को बढ़ाने वाली है और शहर हैं आपके रडार में और राज्य हैं आपके रडार में? प्रियंका, अभी लास्ट ईयर भी हमारा जो रेवेन्यू था उसका 70% रेवेन्यू मध्य प्रदेश के बाहर से आया था और अभी भी हमारी जो ऑर्डर बुक है उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के 40% वर्क होते हैं, बाकी 60% हमारे दूसरी स्टेट्स के वर्क हैं जिसमें लगभग हम लोग अभी 12 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। तो नाउ वी आर वेरी हाईली डाइवर्सिफाई कंपनी राइट नाउ। अभी हम लोग लगभग 15 स्टेट्स में हमारे फुटप्रिंट हैं और 12 स्टेट में तो अभी राइट नाउ हम लोग काम कर रहे हैं जो कि कंट्री का ऑलमोस्ट 70% एरिया कवर करता है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। देवेंद्र जैन, CEO दिल्ली बिल्डकॉन की अच्छी लिस्टिंग कंपनी की। 15% का मूव अभी दिखा रहा है शुरुआती ट्रेड में और उससे आगे बढ़ता हुआ दिल्ली बिल्डकॉन। और अब रुक करते हैं समित चौहान का। समित, आपसे समझना चाहूंगी बाजार का मूड देखते हुए आपके दो ट्रेडिंग सलाह कहाँ होंगी? देखिए, पहला जो होगा एक छोटे स्टॉक पे होगा IFCI, जो लो प्राइस स्टॉक है। जनरली हम रिकमेंड नहीं करते बट इसका अगर हम मीडियम टर्म चार्ट देखें तो काफ़ी इनकरेजिंग लग रहा है और ये अभी अच्छे खासे सपोर्ट पे है एक करेक्शन के बाद। तो इसमें एक खरीदारी की सलाह होगी IFCI विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 25.5 और इसका टारगेट 30 का होगा आने वाले एक दो ढाई वीक के लिए। दूसरा कॉल होगा ब्रिटानिया, जिसने उसके Q1 नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग सर्ज देखा था हमने, हालांकि लास्ट दो दिन में थोड़ा एक सबड्यूड मूवमेंट देखा था और आज वापस एक अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है विद गुड वॉल्यूम्स। तो हमें लग रहा है कि कंटिन्यूशन ऑफ अपमू इसमें और आने वाले दिनों में दिखाई देगा। 3280 से लेके 3300 के हमारे इसके टारगेट्स होंगे और कोई भी डिप में बाइंग कीजिए, 3080 का स्टॉप लॉस होगा। So, दो स्टॉक्स जिस पर सलाह दे रहे हैं खरीद की समेत वो हैं IFCI और ब्रिटानिया। इनके स्टॉप लॉसेस और लक्ष्य आपकी स्क्रीन पर हैं। इसी के साथ समेत धन्यवाद, आप हमने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, अपने आइडियाज शेयर किए, बहुत धन्यवाद आपका। लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन FNO बाजार में बनाइए स्ट्रेटेजी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। मितेश छक्कर और हमित अर्चेकर आपको बताएंगे क्या करें FNO में आगे।